दोस्तों आज बनाएंगे आलू प्याज के एकदम क्रिस्पी पकौड़े। बिना इनो और बिना सोडे के भी ये देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। घर में मेहमान आए हों या फिर कोई भी मौसम हो, ये पकौड़े हर मौसम में बनाए जाते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाने हैं। पकौड़े बनाने के लिए हम 1.5 कप बेसन लेंगे। बेसन को छान के लेंगे। छान के लेने से जब हम इसका घोल बनाएंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। तो 1.5 कप हम बेसन ले लेंगे और 1/2 कप हम चावल का आटा लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप 2 कप बेसन ही ले लीजिए। चावल का आटा डालने से ये जो पकोड़े बनाएंगे क्रिस्पी बनेंगे और बाद में भी क्रिस्पी बने रहेंगे। तो अब इसमें 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे, 2 पिंच हल्दी डाल देते हैं और थोड़ा ये लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिर्च आप जितना तीखा करना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच अजवाइन रगड़ के डाल देंगे ताकि पकोड़े खाने के बाद एसिडिटी ना बने और पकोड़े हमारे डाइजेस्ट हो जाएं। मसालों को बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं। आज के पकोड़े बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर जो सबके घर में होता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और इसका थोड़ा और टेस्ट बढ़ाते हैं, थोड़ी 1 चम्मच इसमें ये कसूरी मेथी रगड़ के डाल देंगे। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं और एक बार इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लीजिए और इसका इस तरह से आपने घोल बना लेना है। एकदम सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और घोलते जाइए और एक लम्स फ्री घोल आपने बना लेना है। इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए और ये देखिए इस तरह का आपने बना लेना है। एक बार मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये गाढ़ा है ना पतला है। आप बिल्कुल ऐसा ही बना लीजिए। तो ये हमारा तैयार है। इसको ढक के रख देते हैं साइड में। पकोड़े हम आलू और प्याज के बनाएंगे। तो मैंने 1 आलू ले लिया है और 2 प्याज ले लिए हैं। इनको हम छील लेंगे। आलू को छील लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से छील लिया है तो इसको पानी में डाल देंगे और इसी तरह हम दोनों प्याज भी छील लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज भी छील लिए हैं। तो अब हम आलू की स्लाइस बनाएंगे। आप चाहें तो चाकू से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने ग्रेटर लिया है। ये इसमें ये जो चिप्स बनाने की जो साइड होती है ना, इससे हम इसको चिप्स बनाएंगे, इसकी स्लाइस बनाएंगे इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा, स्लाइस एक साइज की बनेंगी और पतली बनेंगी। चाकू से काटते हैं तो थोड़ी मोटी हो जाती हैं। तो ये देखिए इनकी स्लाइस बना ली हैं। तो इनको अब पानी में डाल के रखेंगे। पहले इनको हम 2-3 बार धो लेंगे और जब पानी साफ हो जाएगा तो पानी में डाल के छोड़ देंगे। पानी में डालने से ये जो स्लाइस है ना थोड़ी कड़क हो जाएंगी। तो अब हम प्याज की भी स्लाइस बना लेते हैं। इस तरह चाकू से काट लीजिए पतली पतली, आप इस तरह काट लीजिए या फिर आपके पास अगर चॉपिंग बोर्ड है तो उस पर रख के भी काट सकते हैं इस तरह साइड से। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो उसी तरह काट लीजिए। और ये देखिए मैंने दोनों प्याज काट लिए हैं। तो अब ये जो आलू रखे थे हमने पानी में, ये थोड़े पहले से कड़क हो गए हैं। इनका अब हमने पानी सुखाना है। तो एक साफ सूती कपड़ा ले लीजिए, इस तरह का टावल ले लीजिए और ये स्लाइस इसके ऊपर फैला देंगे और टावल से इस तरह हम दबा देंगे ताकि जो इनका पानी है ना टावल सोख लेगा और ये स्लाइस हमारी सूखी हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हमने तैयार कर ली है। सारी इसी तरह सुखा लेंगे और प्याज भी मैंने पानी में डाल दिए थे तो प्याज को भी हम इसी तरह सुखाएंगे। टावल से दबा देंगे, एक बार इनका पानी सोख लेगा टावल और ये भी सूखे सूखे हो जाएंगे। तो ये देखिए आलू प्याज इस तरह से तैयार हो गए हैं। तो अब ये बेसन देख लेते हैं। एक बार चला देंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसी में से कढ़ाई में से मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। अगर आपके पास छोटी चम्मच है तो आप 2 चम्मच तेल डाल लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें ये देखिए 1/4 चम्मच ये बेकिंग पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है, पकौड़े हमारे क्रिस्पी भी बनेंगे, फूले फूले भी बनेंगे और बाद में भी क्रिस्पी बने रहेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बेकिंग पाउडर हो तो ही पकोड़े बनाए, अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो भी पकोड़े बन सकते हैं और अच्छे पकोड़े बन जाते हैं बेकिंग पाउडर के बिना भी। तो बेकिंग पाउडर ना हो तो भी कोई बात नहीं है, आप बना लीजिए। अब ये आलू की और प्याज की स्लाइस लेंगे और ये देखिए बेसन में इस तरह से डुबोएंगे और आप चम्मच से इस तरह से उठाइए और गरम गरम तेल में डाल लीजिए, या फिर फोक से उठा लीजिए या फिर हाथ से ही उठा लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो तेल को हमने गरम कर लिया है और गरम गरम तेल में हम ये आलू की और प्याज की स्लाइस डाल देंगे और गरम तेल में डाल के आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पे पकाइए ताकि जो आलू है ना वो कच्चे हैं अंदर तक पक जाएं, क्योंकि प्याज तो फिर भी कच्चे खा लेते हैं लेकिन आलू कच्चे नहीं खाने चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, थोड़ी देर में ही ये इस तरह फूले फूले हो जाएंगे, उसके बाद इनको पलट देंगे दोनों साइड से पलट पलट के, इनका अच्छा जब गोल्डन कलर आ जाएगा ना, हल्का हल्का डार्क गोल्डन कलर, तब तक आप इसे पका लीजिए। इस तरह से बनाते हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं और सारे पकोड़े फूले फूले बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। और ये देखिए एक बार के पकोड़े बन चुके हैं, इनको एक छलनी में निकाल लेते हैं और इस तरह से सारे पकोड़े हम बनाएंगे। ये देखिए प्लेट में मैंने डाल दिए हैं, इनकी आवाज़ सुनी आपने कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह दूसरे राउंड के भी पका लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए दूसरे राउंड के भी बन गए हैं। इस तरह से आप सारे पकोड़े बना लेना, बिल्कुल परफेक्ट पकोड़े बना के तैयार करोगे। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।